रॉयल इनफील्ड हंटर 350। आज मैं आपको इस बाइक के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इस बाइक के हाईलाइट फीचर्स की। तो इसमें जो सबसे पहला हाईलाइट फीचर्स है वो है इसकी प्राइस, दूसरा है इसका मॉडल और डिजाइन, तीसरा है इसकी राइडिंग क्वालिटी, चौथा है इसका पिकअप, और इसके अलावा है इसमें माइलेज, और इसके अलावा इसमें बहुत सारे हाईलाइट फीचर्स मिल जाते हैं। उनके बारे में अब मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं PR मोटोकॉर्प रॉयल इनफील्ड मटियारी चिनहट के पास, यह शोरूम है। आप यहाँ पर रॉयल इनफील्ड की किसी भी बाइक को खरीद सकते हैं। और अब हम बात करते हैं डिटेल से। सबसे पहले हम इसके मॉडल और डिज़ाइन की बात करेंगे। तो आप सामने देख रहे हैं, ये क्लासिक खड़ी है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हंटर खड़ी है, और इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग बनाया गया है। स्क्रैम्बलर लुक आपको लगेगा, और ये खास करके जैसे यंगस्टर्स को ज़्यादा ध्यान में रख के बनाया गया है, क्योंकि आप देखेंगे इसका टैंक का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बल्की नहीं है। यहाँ पर जैसे क्लासिक में टैंक पैड लगा रहता है और वो यहाँ से ये निकला रहता है, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पर चिपका हुआ है। यहाँ पर आपके पैर बिल्कुल सट जाएंगे, चिपक जाएंगे इसमें, तो आपको चलाने में थोड़ा सा ज़्यादा आनंद आएगा। इसके अलावा आप देखेंगे ये इनका टॉप मॉडल है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हंटर में आपको दो मॉडल मिलेंगे, मेट्रो और रेट्रो। ये आप देख रहे हैं मेट्रो मॉडल, जो कि टॉप मॉडल है। रेट्रो में आपको जैसे एलॉय व्हील नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा वो कम कीमत में मिलता है, वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव प्राइस पर। तो अभी हम इसके मेट्रो टॉप मॉडल की बात करते हैं। आपने टैंक के बारे में देखा, और अब हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इसका साइड पैनल बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है, और ये फाइबर का मिलता है आपको, रॉयल इनफील्ड हंटर 350 इस पर लिखा हुआ है। ड्यूल टोन कलर में ये बाइक आ रही है। इसके अलावा दोस्तों आप पीछे से देखेंगे तो मडगार्ड को बिल्कुल हाफ कर दिया गया है, वो भी प्लास्टिक का कर दिया गया है। ये प्लास्टिक का है और ये बिल्कुल हाफ कर दिया, और साइलेंसर को भी हाफ कर दिया गया है। और आप पीछे से देखेंगे भाई, 140 mm के वाइट टायर के साथ ये बाइक आती है, और आप देख सकते हैं कितने चौड़े टायर हैं। और इसकी बैकलाइट का डिज़ाइन आप देखेंगे, इसमें आपको LED बैकलाइट मिलती है, गोल आपको इंडिकेटर मिलते हैं जो कि फुली ब्लैक इसमें आपको मिल जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं बैकरेस्ट, ये लगाई गई है, बाकी इसमें स्प्लिट ग्रैब रेल आपको मिल जाता है। और अब आप इसको लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, हंटर 350 को पूरा ब्लैक थीम है, ड्यूल टोन कलर हैं, गोल हेडलाइट है, और चौड़े टायर हैं, जिससे बाइक काफ़ी इम्प्रेसिव लग रही है। अगर हम फ्रंट डिज़ाइन की बात करें, पहले मैं आपको इधर दिखा दूँ, जैसे ये पीछे से मडगार्ड पूरा बढ़ा हुआ है, और आप देखेंगे ये काफ़ी बल्की सा डिज़ाइन है, लेकिन ये बिल्कुल एकदम कॉम्पैक्ट लाइट वेट बनाई गई है। आप आगे से देखेंगे गोल हेडलाइट दी गई है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर हैलोजन बल्ब की हेडलाइट मिलती है, पायलट हेडलैम्प मिलते हैं, और ये टॉप मॉडल है इसमें, इसलिए इसमें RK ब्रांडिंग की गई है। अगर आप लोएस्ट मॉडल लेंगे तो उसमें ये नहीं लिखा रहेगा। और ये गोल इंडिकेटर इसमें आपको मिलते हैं, सिंगल मीटर मिलता है, जो मीटियोर में आपको मिलता है वही इसमें आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे 110/70/17 का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, इंटरनली चेंज हुआ होगा लेकिन बाहर से चेंज नहीं दिख रहा है, 300 mm की डिस्क ब्रेक आपको मिलती है ड्यूल चैनल ABS के साथ। और पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अप्रॉक्स 240 mm की डिस्क ब्रेक है, ड्यूल चैनल ABS इस बाइक में आपको मिल जाता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा 140/70/17 का ट्यूबलेस टायर इसमें आपको मिल जाता है। सस्पेंशन नया है, क्लासिक में थोड़ा सा अलग लगाया रहता है, इसमें थोड़ा सा अलग लगाया गया है। तो जैसे इसका जो वज़न कम कर दिया गया है, क्लासिक से ये बाइक लगभग 15 kg इसका वज़न कम है भाई, तो इसलिए ये बाइक लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, और अगर आप सिटी राइड करेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा कम है, 151 mm है। और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल से इस बाइक के बारे में, जैसे कुछ फीचर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा इसमें वही मीटियोर वाली स्विच आपको मिलती है, यहाँ पर हजार्ड लाइट की स्विच मिलती है, और यहाँ पर वही स्विच मिलती है, यहाँ पर आई बटन मिलती है, और ये पूरा असेंबली जितना आप देख रहे हैं सारी चीज़ें मीटियोर की हैं। यहाँ पर आपको चार्जिंग का सिस्टम मिल जाता है, USB चार्जिंग इसमें आपको यहाँ पर मिल जाती है। और ये मीटर आप देखेंगे, मैं आपको पहले मीटियोर में दिखा दूँ, ये है मीटियोर, वही स्विच, ये सारी चीज़ें इस बाइक में आपको मिल जाती हैं भैया। अब हम इसके मीटर को ऑन करेंगे और आपको दिखाएंगे इसके मीटर में कौन कौन से फीचर्स मिल रहे हैं। और भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो साइलेंसर है ना, इसका जो साउंड है वो आपको मज़ा देगा। आपको आफ्टर मार्केट कोई साइलेंसर लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है, बाकी आप लगवा सकते हैं। अब इसको हम दोबारा स्विच ऑन करेंगे, आप देखेंगे डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलता है, ओडो ट्रिप मीटर, और इसके अलावा गियर पोजीशन इंडिकेटर, AM PM सब इको गियर, ये सारी चीज़ें इसमें आपको बता रहा है। बाकी लो बैटरी, ABS, इंजन चेक लाइट, और भैया एनालॉग और डिजिटल मीटर इसमें आपको मिल रहा है, और यही सारी चीज़ें इसमें आपको मिल रही हैं। इसके मीटर में इतने ही फीचर्स हैं। अब हम जरा एक बार इसको स्टार्ट करके इसकी धुन आपको सुनाते हैं, और आप बताइएगा कि भाई कैसी लगी इसका साउंड। पहले आप बैकलाइट देख लो,
और उसके बाद मैं ज़रा हजार्ड लाइट ऑन करके इसका इंडिकेटर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं आगे से, और अब आप देखेंगे इसको भाई पीछे से, आप देख सकते हैं पीछे से। और अब ज़रा मैं इसके हजार्ड लाइट को बंद कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ न्यूट्रल। यहाँ पर बाइक न्यूट्रल हो चुकी है, और चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या साउंड है इसका। हाँ, यहाँ से वाओ, स्टार्टिंग देखो एकदम स्टार्ट है, आपको पता नहीं चलेगा। इस बार इन्होंने इसको सेटअप किया है। मैं ज़रा आपको आवाज़ सुनाता हूँ। मुझे कैमरा दूसरे हाथ से पकड़ना पड़ेगा भाई। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे 350 सीसी का एक अगर अंडर स्क्वायर इंजन रहेगा जिसमें बोर छोटा और स्ट्रोक बड़ा रहेगा, तो जाहिर सी बात है आपको जो उसमें वो कंप्रेशन मिलेगा, तो उसकी वजह से जो आवाज़ मिलेगी वो किसी और बाइक में नहीं मिल सकती है। वो भले ओवर स्क्वायर इंजन वाली आप बाइक देखेंगे, उसमें वो साउंड नहीं मिलेगा जो रॉयल इनफील्ड की बाइक में मिलेगा। और इसमें जो लगाया गया है ये चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा। और बाकी जैसे अगर हम पहले की बात करें, तो पहले सारी चीज़ें आपको मेटल की मिलती थी, लेकिन अब इसमें जैसे ये सारी चीज़ें आपको फाइबर की मिल रही हैं। मैं इसको बंद कर दूं, यहाँ पर ये भी फाइबर दिया गया है, तो इससे ये एक लाइट वेट बाइक बन चुकी है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे की तरफ, इसके प्राइस की तरफ। प्राइस इसकी कितनी इम्प्रेसिव है, 2,14,000 ऑन रोड प्राइस है। PR ऑटोमोटिव मोटोकॉर्प पे आप यहाँ पर ख़रीद सकते हैं इस बाइक को। और अगर आप इनका लोएस्ट मॉडल लेते हैं, स्टैंडर्ड मॉडल लेते हैं, तो वो 1,93,000 रुपये में आप 350 सीसी की बाइक खरीद सकते हैं। ये काफ़ी इम्प्रेसिव है, और मतलब जैसे कि MT-15 या रोनिन हुई, इन सब के बराबर आपको इसकी प्राइस मिल जाएगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे इस बार इन्होंने जैसे एंगस्टर्स को ज़्यादा ध्यान दिया है, तो इसलिए इन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा पीछे कर दिया, जिससे आपको अग्रेसिव राइडिंग पोजिशन मिल सके। और यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ये आपको इसमें मिल रहा है साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच, और इंजन जो इसमें मिल रहा है वो मीटियोर वाला ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंजन को, रॉयल इनफील्ड, और यहाँ पर आप देखेंगे रॉयल इनफील्ड, वही ये तो पहले वाली है। इधर मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं, ये है मीटियोर 350, और सेम वही इंजन इसमें आपको मिलता है जो इसमें मिलता है। 349.34 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसमें आपको 20.2 HP की पावर मिलती है 6100 RPM पर, और 27 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 4000 RPM पर। 5 गियर इस बाइक में आपको मिलते हैं, 72 mm इसका बोर है और 85 mm इसका स्ट्रोक है, तो जाहिर सी बात है आपको धमक गूंज ये सारी चीज़ें इस बाइक में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। 300 mm की आगे डिस्क ब्रेक है और 240 mm की पीछे है, ड्यूल चैनल ABS के साथ, और 800 mm इसकी सीट हाइट है, नहीं 800 mm इसकी सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस 150 mm है, व्हील बेस 1370 mm है, और वज़न 181 किलोग्राम इस बाइक का है। अगर आप जैसे स्पोक व्हील वाली लेते हैं तो 177 किलोग्राम की वो बाइक आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल बाइक आपको कैसी लगी भाई, एक मिनट, और अब मैं आपको बाइक पर बैठ कर दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई इसका जो वो बनाया गया है, मतलब ये भाई ऐसे पकड़ो, आपकी तार नहीं आनी चाहिए थोड़ा ऐसे, तो अब आप देख, थोड़ा इधर आ जाओ। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं इस पे बैठा हूँ, मेरे पैर एकदम पहुँच रहे हैं, मतलब इस बार लाइट वेट कर दिया गया है, और जैसे कि इसका सीट हाइट, सारी चीज़ें इतनी बेटर की गई हैं कि जैसे अगर आप सिटी राइड करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें मज़ा आएगा। मैं स्टार्ट करके ज़रा, ये दूसरा मॉडल जा रहा है भाई, देख लो, अब देखो कैसा लगा, मस्त लगा ना। और मैं इसकी टेस्ट राइड करके भी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। फिलहाल अभी मैंने आपको जैसे रॉयल इनफील्ड की हंटर 350 के बारे में पूरी जानकारी दी, जैसे स्पेक्स, प्राइस, माइलेज की बात करें तो पहले से इनसे क्लासिक से ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि कम इसकी सीट हाइट है, वज़न कम है, तो जाहिर सी बात है पिकअप भी ज़्यादा मिलेगा और माइलेज भी मिलेगी। लगभग 40 तक की माइलेज अगर आप आराम से चलाएंगे सिटी में तो मिल सकती है, मतलब 35-40 के आसपास मिल सकती है इसमें माइलेज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।